Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 9 of mathematics and statistics syllabus and lecture 9 about matrices and determinants. Dekho aaj hum kya karenge. Today we will discuss general form of matrix. General form of a matrix ye important hai aapke liye. ठीक है. तो जनरल फॉर्म ऑफ है मैट्रिक्स. तो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि कल तक हमने जितने भी मैट्रिक्स पढ़े, मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए वो थे इन पर्टिकुलर. सपोज हमने लिखा था 1 2 3 4 ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2. ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जो कि क्या है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसकी एंट्री जो है वो मैंने खुद यहाँ पे सेट की. तो सपोज अगर मैट्रिक्स बी है ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3. तो जनरल होता क्या है, जनरल होता है कि ये जो एंट्रीज है ना ये आर्बिट्री होनी चाहिए. तो फिर आपकी मर्जी है आप क्या वैल्यूज वहां पे पुट करोगे. ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑफ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2. देखो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जनरल एक एंट्री होती है. ठीक है, जनरल एंट्री को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए आई जे, ए आई जे. तो ये क्या है, ए आई जे, ए आई जे इज द एंट्री विच, ए आई जे इज द एंट्री विच हैज एड्रेस आई थ्रो एंड जेथ कॉलम. ये जो ए आई जे है ना ये एक मैट्रिक्स है. तो इसका जो एड्रेस है ना, हर एक एंट्री का एक एड्रेस होता है. तो ये जो ए आई जे है, आई जे मीन्स एड्रेस, तो इसी से हमें पता चलता है कि ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम है. तो यहाँ पे जो आई जे है इसका मतलब है कि ये जो एंट्री है ये मैट्रिक्स के कौन से रो में है, आईथ रो एंड जेथ कॉलम. ठीक है, तो फिर हमें देखना है कि आई का वैल्यू क्या है और जे का वैल्यू क्या है. देखो अगर मैं इस ए आई जे के बदले लिखूंगा यहाँ पे ए वन टू, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आई के बदले 1 पुट किया, मैंने जे के बदले 2 पुट किया. तो ये जो एंट्री है ना ये कहाँ पे है, ये जो एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट रो एंड यहाँ पे जो 2 है ना वो होगा सेकंड कॉलम. तो हमेशा यही आप याद रखना कि ये जो फर्स्ट होता है वो होता है रो का और सेकंड एड्रेस जो है ना वो किसका होता है, कॉलम का. ठीक है, तो ए वन टू का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ऐसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि ए वन थ्री, तो आप क्या कहोगे, ए वन थ्री इज एंट्री विच लाइज एट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ठीक है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ऐसे अगर हम बात करेंगे ऐसे ही 5 2, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंट्री होगी ना ये कहां पे होगी, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम. ठीक है, तो आप अगर यहां पे हमें मैट्रिक्स जो है इतना लिखना आप डिनोट करना ताकि आपको समझ आएगा. देखो यहां पे अगर मुझे यहां पे टू जनरल मैट्रिक्स लिखना है ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, हम क्या करेंगे, देखो यहां पे अगर यहां पे हम मैट्रिक्स एक एंट्री यहां पे सेट करेंगे, यहां पे एक एंट्री, यहां पे एक, यहां पे एक. ठीक है, यहां पे जो मैट्रिक्स, यहां पे जो एंट्री सेट करेंगे वो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका सॉरी एड्रेस क्या होगा. तो उसका जो एड्रेस होगा वो होगा फर्स्ट रो, ये कौन से रो में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. यहां पे जो एंट्री आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो इसका मतलब हम जनरल में लिखेंगे ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा ए वन वन, वहां पे था ना ए आई जे, तो ए वन वन जो है दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो अब अगर इस यहाँ पे जो एंट्री होगी उसकी बात हम करेंगे, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट रो, देखो रो तो सेम है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम. तो आपको ये याद होना चाहिए कि दिस इज सेकंड कॉलम और यहाँ से जो है दैट इज फर्स्ट रो. अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज ए वन टू. अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा ए टू वन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट
कॉलम, तो क्या आएगा 2 1, तो फिर यहां पे क्या आएगा A 2 2, विच मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बनाएंगे और कोई मैट्रिक्स, जरा बनाओ, यहाँ पे एक एंट्री रखेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ से एक, एक एक, तो इसका ऑर्डर जो आएगा दैट इज 2 बाई 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, ए A 1 1, A 1 1, याद रखो, जिसको याद नहीं रहेगा ऐसे रखना आप याद, फर्स्ट रो है और ये जो है ना ये क्या है सेकेंड रो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर लिखना कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। अब यहाँ पे जो एंट्री है दैट इज, यहाँ पे आप देखना ये किसके सीध में है, फर्स्ट रो, और यहाँ से क्या है फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स A 1 1। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम क्या आएगा सेकेंड, तो A 1 2, तो यहाँ पे देखना ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो क्या आएगा A 1 3, यहाँ पे क्या आएगा A 2 1, A 2 2, A 2 3, आया समझ। तो ये जो A 1 1 है ना, A 1 1 का मतलब क्या है, एंट्री लाइज एट कहाँ पे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आया समझ में। A 1 1 का मतलब होता है ये ऐसी एंट्री होती है जो लाई करती है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आया समझ में। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, आप जो भी यहाँ पे चूज करोगे, सपोज हम देखेंगे A 2 3, A 2 3, ये कौन सी एंट्री है, ये जो एंट्री है ना यहाँ पे, दैट इज एंट्री लाइज एट सेकेंड रो, क्योंकि यहाँ पे जो टू है ना दैट इज रो, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, आया समझ में। तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ, अब आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर यही रखना है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, सपोज यहाँ पे है ए इज इक्वल टू 4 8 9 2 5 6 3 4 2 3 4 5। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है ना दैट इज 3 बाई 4, 3 रोज एंड 4 कॉलम। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि फाइंड, अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसे फाइंड A 3 2, A 3 2, सपोज A 2 4, A 1 4, तो आपको फाइंड करना होगा A 3 2, A 2 4, A 1 4। इसका मतलब क्या है कि एंट्री विच लाइज दिस, तो आपको ये पता ही है, तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो 3 2 जो है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंट्री, या ऐसे 3 कॉमा 2th एंट्री, ये एक और इसका फॉर्म है लिखने का एंट्री का। तो या तो हम ऐसे लिखते हैं A 3 2, या तो हम लिखते हैं 3 2th एंट्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 4th एंट्री। ठीक है, तो ऐसे भी होता है ए के बगैर, तो दिस इज 1 कॉमा 4th एंट्री, तो 1 कॉमा 4 मीन्स क्या होगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इनके वैल्यूज A 3 2, A 2 4, A 1 4, तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो या 3 2th एंट्री, या 2 4th एंट्री, या 1 4th एंट्री। देखो अगर हम बात करेंगे इस, ये जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज A 3 2, तो इसका मतलब क्या है, दैट एंट्री विच लाइज इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ऐसी कौन सी इसमें एंट्री है जो क्या होगी थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम है। पहले आपको देखना है कि थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, आपको यहाँ से आना है। ठीक है, थर्ड रो से जाना कहाँ है, सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम क्या है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम यहाँ से, तो अगर आप देखोगे यहाँ से लाइन, तो इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे, तो इसका मतलब कि A 3 2 जो है ना, A 3 2 वो होगा 3, A 3 2 जो एंट्री है दैट इज 3। ऐसे ही आप चेक करो A 2 4, तो मुझे बताओ आप A 2 4 का मतलब क्या है, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो यहाँ से, ठीक है, और
फोर्थ कॉलम यहाँ से, तो एंट्री कहाँ पे कट हो गई, यहाँ पे फोर पे, तो ये जो है ना इज इक्वल टू फोर, तो इस फोर को हम बताएंगे कि दिस एंट्री इज द A24। अब ये जो A14 है ना इसका आप बताओ ना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जिसको ये समझ आया होगा तो मुझे बताना A14 जो एंट्री है वो किसके बराबर है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे, तो एक दो ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वहाँ से। अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, अगर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 8, आपको बताना होगा कि पॉसिबल ऑर्डर्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स, आपको क्या बताना है, पॉसिबल ऑर्डर्स मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो कल मैंने कहा था वो जो ऑर्डर होता है अगर हम उसका आपस में मल्टीपल करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर यहाँ से आपको गिवन है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स, तो क्या हो सकता है, 1/8। मैंने कहा था कि अगर हम देखेंगे 1/8 एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो 1 × 8 दैट इज 8, तो मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो 1/8 ये भी हो सकता है, ऐसे 2/4 ये भी हो सकता है क्योंकि 2 4 8, तो 8 एलिमेंट्स आते हैं। 3 से नहीं हो जाएगा क्योंकि 3 इसका फैक्टर नहीं है, आपको सीधे देखना है कि 8 का फैक्टर क्या है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 8 8 जैसे टेबल पढ़ते हैं तो ये भी ऑर्डर हो सकता है। 2/4 विच मीन्स 2 4 8, ये भी ऑर्डर हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 4 4 2 8, तो ये भी ऑर्डर हो सकता है इस मैट्रिक्स का। तो इसके बाद अगर हम फिर इसके बाद 4 पे आएंगे, 4 के बाद 5 पे, 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो अगर आप 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 1 आर 5 5 2 आर 10, वो तो नहीं आएगा। तो इसके बाद 6 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 8/1 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 8 1 आर 8। ऐसा नहीं सोचना कि 1/8 जो है दैट इज 8/1, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जो फर्स्ट होता है वो रोज होते हैं और सेकंड जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे इस मैट्रिक्स के जो रोज हैं दैट इज 1 एंड कॉलम्स कितने हैं, 8। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कितने रोज हैं, 8, और कॉलम्स कितने हैं, 1, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो 8 एलिमेंट जो मैट्रिक्स होगी अगर हम 1/8 बनाएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको इसी में बताना होगा आंसर, तो 8 एलिमेंट जो है ना 1/8, तो 1/8 का मतलब क्या है, 1 रो, रो तो एक ही है, 8 कॉलम, मतलब A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18। ये जो मैट्रिक्स है ना इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मतलब 1 रो है और 8 कॉलम्स हैं, तो आया 1/8, तो ये था ना 1/8। अब अगर 2/4 होगा, आज मैं आपको जनरल पे दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके बदले हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो 2/4, 2/4 का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/4। देखो 2/4 मीन्स A11, रोज कितने, सिर्फ 2, एंड कॉलम्स कितने, 4, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/4। तो आप काउंट कर सकते हैं कि एलिमेंट सिर्फ 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके बाद अगर हम 4/2 की बात करेंगे तो 4/2 क्या होगा, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड 8/1 मीनस 8 रोज एंड 1 कॉलम, तो आप ये खुद ही बना सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बताते हैं कि रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही रो है, और यहाँ से हम बताएंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था आपको इक्वल मैट्रिसेस, पढ़ाया था ना मैंने इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर भी बराबर और एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन होगा आपको, इफ A+B 2, ठीक है ना, 5 AB इज इक्वल टू 6 2 5 8, देन फाइंड
द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आपको गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो फिर क्या है कि ये गिवन है वहाँ से, अब नहीं बताना यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एट है, ये गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको वैल्यू निकालना होगा ए और बी का। देखो इक्वल मैट्रिसेज हैं, अगर गिवन है तो इक्वल मैट्रिसेज है ना। इक्वल मैट्रिसेज मतलब ऑर्डर भी सेम है। ज़रा करो चेक इसके कितने, इसका जो ऑर्डर है ना दैट इज 2 बाई 2, क्योंकि दो रोज एंड दो कॉलम्स 2 बाई 2, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, ऑर्डर भी सेम है। तो बाय इक्वल मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगे। यहाँ से जो फर्स्ट एंट्री है ना, फर्स्ट एंट्री मीनस ए प्लस बी, यहाँ से जो फर्स्ट एंट्री है ये क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि इसने कहा कि ये गिवन में है ना कि ये इक्वल है। तो बाई दिस कंडीशन ए प्लस बी होना चाहिए फिर किसके बराबर, 6, तब ये बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ से क्या है 2, तो 2 तो 2 बराबर है ना। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेज है, अगर यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 3 होता फिर ये डिफरेंट थे, तब ये बराबर नहीं थे, इसलिए इसने कहा है 2 2। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 5 विच मीनस इक्वल है ये एंट्री भी, और यहाँ पे अगर ए बी है यहाँ से क्या है 8 विच मीनस ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू 8। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इक्वल मैट्रिसेस आप कल का लेक्चर पहले देखो। तो इक्वल मैट्रिसेस होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीनस फर्स्ट फर्स्ट सेम, ए बी लास्ट लास्ट सेम। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है। देखो अगर हम ए प्लस बी की बात करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अननोन है ना, दोनों अननोन, तो आप ए का वैल्यू यहाँ से निकालो तो ये क्या बनेगा 6 माइनस बी, क्योंकि 6 प्लस बी शिफ्ट करेंगे तो माइनस बी बनेगा। तो ए का वैल्यू क्या आया 6 माइनस बी, आप यही वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए के बदले क्या आप पुट कर सकते हैं 6 माइनस बी, साथ में क्या करोगे आप इंटू बी इज इक्वल टू 8, विच एम्प्लाइज दिस बिकम 6 बी माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 विच एम्प्लाइज 6 बी। देखो यहाँ पे क्या है, पहले माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद हम लिख सकते हैं ना प्लस 6 बी, और ये जो है ना माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो यहाँ पे सबसे पहले माइनस आ गया, हम साइन चेंज भी कर सकते हैं ताकि ये पॉजिटिव आएगा, तो माइनस को हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस 6 बी है तो फिर साइन चेंज करना है तो -6 बी बनेगा, अगर यहाँ पे -8 है तो हमें लिखना है +8 इज इक्वल टू 0, ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको निकलेंगे बी के दो वैल्यूज, ठीक है। तो बी के दो वैल्यूज जो है वो आप इसमें पुट करो, आपको निकलेगा ए के वैल्यूज, ठीक है। ये था प्रोसीजर ए और बी का वैल्यू फाइंड करने का। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, दिस एग्जाम्पल मैंने लिया था ताकि आपको ये समझ आएगा, ठीक है। बस आज रखते ही इतना ही, क्योंकि आज 20 मिनट्स का क्लास ही होगा, थोड़ी सी एनर्जी बचा के भी रखनी है अवतार तक, अभी अवतार को बहुत टाइम है। तो ठीक है, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।